नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और वक्त हो चुका है आज 8 मई दोपहर की राजस्थान से जुड़े ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को जानने का। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको राजस्थान से जुड़ी हर खबर पल पल मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के कारवां को। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में कोहराम मचा रखा है। देश में अब हर दिन कोरोना के नए मरीजों की संख्या 4 लाख के पार जा रही है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश में कोरोना के 4,01,228 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि पहली बार मौत का आंकड़ा 4,000 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना से 4,191 लोगों की मौत हो गई है, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से बस स्टैंड पर स्थित कैंटीन स्टॉल लाइसेंस धारियों को मई 2021 के लाइसेंस फीस में 100% छूट प्रदान की गई है। लॉकडाउन के चलते बसों का संचालन कम होने की वजह से स्टैंडों पर कैंटीन स्टॉल लाइसेंस धारियों को हो रहे नुकसान को देखते हुए ये छूट दी गई है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम प्रबंधन की ओर से राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में संचालित सभी स्थानीय बसों में भी आदिवासियों को 25% की छूट प्रदान करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। कोरोना से समाज में एक भय का वातावरण बना हुआ है। इस काल में जब शासन प्रशासन अपने स्तर पर सभी संभव प्रयास कर रहे हैं तो समाज का भी मनोबल, उत्साह और धैर्य बनाए रखने का कार्य स्वयं समाज को ही करना है। इसी को ध्यान में रखकर समाज में व्याप्त इस संशय के वातावरण को दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की परिवार प्रबोधन गतिविधि की ओर से पूज्य संतों के मार्गदर्शन और नेतृत्व में एक शनिवार को प्रदेश भर में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। संघ के क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम ने हनुमान चालीसा पाठ के लिए पोस्टर का विमोचन किया है। राजस्थान में गुरुवार के मुकाबले शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 699 ज्यादा केस सामने हैं। राज्य के हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को पिछले 24 घंटों में कोरोना पॉजिटिव के 18,231 नए केस सामने आए हैं। शुक्रवार को यह आंकड़ा 17,532 था। वहीं 26 घंटों में कोरोना ने 164 लोगों की जान ले ली है, जबकि गुरुवार को राज्य में 161 लोगों की मौत हुई थी। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,99,000 से ज्यादा हो गई है। UDH मंत्री शांति धारीवाल ने शुक्रवार को आवागमन मंडल चेयरमैन का पदभार संभालने के साथ ही प्रदेश के छोटे शहरों में आवासीय योजनाएं लॉन्च करने के लिए सर्वे कराए जाने की बात कही। साथ ही जयपुर की तर्ज पर जोधपुर, अजमेर, उदयपुर और सीकर में भी कोचिंग हब बनाने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने आवासन मंडल के कार्यों को गति देने के लिए विभिन्न संवर्गों के लिए रिक्त 573 पदों पर जल्दी भर्तियां करने की बात कही है। कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच कुछ लोग आपदा में अवसर तलाश रहे हैं और लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर ऊंचे दामों पर मेडिकल संबंधित उपकरण और दवाइयां बेची जा रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ जयपुर पुलिस की ओर से लगातार एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट और राजस्थान महामारी अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कोतवाली थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बिना बिल के ऑक्सीमीटर बेचने वाले एक 20 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से 45 ऑक्सीमीटर बरामद किए हैं। आरोपी की ओर से दिल्ली से ऑक्सीमीटर खरीद कर उन्हें जयपुर में ऊंचे दामों पर बेचने की शिकायत प्राप्त हो रही थी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य सरकार की ओर से घोषित महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की सख्ती से पालना करने की अपील की है। उन्होंने बगैर अति आवश्यक कार्य के घर से बाहर नहीं निकलने का भी आह्वान किया है। कलराज मिश्र ने कहा कि मास्क आवश्यक रूप से पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखे और स्वच्छता नियमों का अपनाते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन करें। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2021 में एमएलए वासुदेव देवनानी ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर 12 लाख विद्यार्थियों को राहत देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव के चलते सीबीएसई की तर्ज पर राजस्थान बोर्ड भी फैसला ले, कक्षा 6 और 7 के विद्यार्थियों की परीक्षा नहीं होगी। दोनों कक्षाओं के छात्रों को सीधा ही उत्तीर्ण किया जाएगा। छात्रों को 15 अप्रैल से प्रोन्नत किया जाएगा। यह आदेश निदेशक सौरभ स्वामी ने जारी किए हैं। राजस्थान में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलता दिखाई दे रहा है। मौसम के करवट लेने के बीते कई दिनों से पड़ रही गर्मी से लोगों को राहत मिली है।
प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद राज्य के 6 जिलों से ज्यादा में मौसमी बदलाव देखने को मिले हैं। इस दरमियान जयपुर में बादलों का डेरा रहा तो बाकी प्रदेश में भी कई जिलों में बादल परसे। राज्य के कई जिलों में ओले तक गिरे तो कहीं कहीं आंधी के साथ तेज बारिश भी हुई। हालांकि यह बारिश किसानों के लिए अच्छी साबित हो सकती है। हालांकि आने वाले 3 दिनों में इस विक्षोभ का असर कम होगा। 8, 9 और 10 मई के दौरान आंधी तूफान में कमी होगी, लेकिन इसके साथ ही आगामी 11 मई को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसका असर 12 मई से प्रदेश के जिलों में देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, खबरों की सिलसिलेवार इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। राजस्थान से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट खबरों से अब